तारण आदर्श कहते हैं सलार पर बहुत बड़ा संकट का समय आ गया है, क्योंकि सलार का ट्रेलर इतना अच्छा नहीं बना है जितनी सलार की हाइप थी। अब डंकी के लिए रास्ता खुल गया है और अब डंकी को सुपर हिट होने से कोई भी रोक नहीं सकता। सलार के लिए लोग काफी उत्सुक थे, लेकिन ट्रेलर युग्राम का कॉपी निकला। अब इसके मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा सलार को कंट्रोवर्सी भी दिला रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, डंकी अपना डंका बजाएगी और राजकुमार हिरानी नंबर वन मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, और सलार को डंकी पटक पटक के दोएगी। और एक तो सलार का ट्रेलर इतना अच्छा नहीं है, लोग इसको काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी बात, अब डंकी और सलार का एक दूसरे से क्लेश करना भी सलार के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लोग अब डंकी को ज्यादा पसंद करने वाले हैं, क्योंकि उसमें एक तरफ राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर है तो दूसरी तरफ किंग खान जैसा एक्टर है, जिसने एक साल में दो बड़ी सुपरहिट मूवी देकर बॉलीवुड का नक्शा ही पलट दिया है। और इस बार डंकी भी इतना ही बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी जितना जवान और पठान ने किया था। डंकी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन सलार का अब सामना करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। और अगर हम सलार के हीरो प्रभास की बात करें तो उनकी राधे श्याम से लेकर आधी पुरुष, उसके बाद साहू यानिंग के सारी मूवीज ने प्रभास के फ्रेंड्स को नाराज किया है और उनकी मूवीज ने भी 1000 करोड़ नहीं कमाई है। और वहीं शाहरुख खान ने सिर्फ 6 महीनों में 2000 करोड़ रुपए कमाकर बॉलीवुड का डूबता हुआ सितारा बचाया है। यानी कि अगर हम सीधी बात कहें तो डंकी सलार से बड़ी मूवी साबित होगी, क्योंकि शाहरुख खान जवान में जिस तरीके से अपने स्टारडम को बढ़ा चुके हैं और उनकी मूवी सुपर हिट के ऊपर सुपर हिट हो रही है, तो इस बार राजकुमार हिरानी के ऊपर शक करना यानी कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। और हम ये कह सकते हैं कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान इज इक्वल टू बहुत बड़ी तबाही सलार मूवी से पहले। डंकी मूवी 22 दिसंबर को अपनी रिलीज डेट को कंफर्म कर चुकी है, और ऐसे में हर कोई ये बोल रहा है कि इतने बड़े सुपरस्टार की मूवी के सामने सलार को रिलीज करके मेकर्स बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, डंकी और सलार की जंग में सबसे बड़ी कमाई कौन करेगा? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको डंकी की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।